ओके, इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि एसक्यूएल क्या है। अब हमारे पास, हमने डेटाबेसेस को पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया, डेटा को पढ़ लिया। अब हम एक लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसक्यूएल। अब ये एसक्यूएल है क्या, इसको क्यों पढ़ते हैं, इसकी तरफ बढ़ते। ओके, एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन डेटाबेसेस। अब देखें, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि डेटाबेसेस क्या होते हैं, है ना, कि डेटाबेसेस एक स्पेसिफिक स्टोरेज एरिया है जहां डेटा रखा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं सिंपल से एक आपको एग्जांपल बता देता हूं। बेटा देखें, आपको पता है कि डेटा वेयर हाउसेस होते हैं, जैसे हमारे पास, मैंने आपको एक आइडिया दिया कि हमारे पास अगर नॉर्मल वेयर हाउस होता है, उसका मकसद क्या होता है कि जब भी किसी शॉपकीपर का कोई क्या आता है, समझ लें माल आता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहीं एक स्पेसिफिक स्टोरेज एरिया पे रखवाता है। ऐसे ही होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल उसके क्लोथ्स हैं या उसके अलावा कोई भी बिजनेस है उसका, तो वो बुलाता है और किसी वेयर हाउस में रख देता है, उसके बाद फिर वहां से चीजें उठा के सेल कर रहा होता है। यही होता है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके उस वेयर हाउस तक डेटा पहुंचाता कौन है? व्हीकल्स, गाड़ियां होती हैं जो वहां डेटा लेके जाती हैं रख के, फिर वही गाड़ियां अगर हमें डेटा उठाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो वी नीड अ स्पेसिफिक, एक तो वे चाहिए या रास्ता, समझ में आ रहा है कि एक क्या चाहिए, मीडियम चाहिए जो वहां पे डेटा रखे और वहां से डेटा उठाए। ये कॉन्सेप्ट है। तो बेटा डेटाबेसिस को बनाना, ठीक है, और इनमें डेटा रखना और इनसे डेटा उठाना, इसके लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत है जो हमारी एसक्यूएल है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा कि एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है जिसका काम क्या है, किसी भी तरह के डेटाबेस को बनाना, उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स को बनाना और नंबर ऑफ टेबल्स के अंदर डेटा रखना, उन डेटा को एक्सेस करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारे काम कौन परफॉर्म करवाती है? एसक्यूएल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। राइट, एसक्यूएल इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ डेटा। समझ में आ रहा है? एसक्यूएल क्या करती है, यूज होती है टू कम्युनिकेट विथ डेटा जो स्टोर है। कहां स्टोर है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अब आप बोलेंगे सर ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो मैं इन फ्यूचर इस पे एक और समझ लें कि वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आप ऐसा समझो क्या है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटाबेस को बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। राइट, एसक्यूएल इज यूज्ड इन MySQL, एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस, ओरेकल, सायबेस, इंफोमेक्स, पोस्टग्रेस, ये हमारे डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स हैं। ये क्या है बेटा, ये अगर मैं आपको दूसरे वर्ड्स में बताऊं तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनमें डेटाबेसेस बनाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनमें डेटाबेसेस बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनमें डेटाबेसेस बनाए जाते हैं, किस लैंग्वेज से? एसक्यूएल से। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? राइट, उसके बाद एसक्यूएल क्या है, स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? उसके बाद एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस, कि आप किसी भी डेटाबेस को जब एक्सेस करना चाहते हैं या उस डेटाबेस के अंदर पड़ा जितना भी डेटा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स या रिकॉर्ड्स, उसको एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इस लैंग्वेज की। सही है, मैनिपुलेट करना मकसद डेटा का जाना और डेटा का वापस आना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। स्टोर अ डेटा एंड रिट्रीव अ डेटा, रिट्रीव का मकसद है फेच करना या उसको एक्सेस करना या वापस सिलेक्ट करके उठाना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एसक्यूएल बिकेम स्टैंडर्ड ऑफ द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन 1986। ये आंसी आपने सुना होगा, है ना? ये एसक्यूएल एक्चुअल में क्या हुआ था, एक स्टैंडर्ड बना था किसके लिए, आंसी के लिए, एंड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। ये आपने सुना होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये ISO है। सही है, ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, 1987 के अंदर इसने भी क्या किया था, इसको स्टैंडर्ड माना था।
यानी अगर मैं आपको बताऊं बेटा, कोई भी चीज जब मार्केट में आती है तो आप उसको पढ़ रहे होते हैं कि ये ISO सर्टिफाइड, सुना होगा आप लोगों, है ना? ISO सर्टिफाइड यानी ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड चेक करती है चीजों का और फिर आपको अलाउ करती है कि ये चीजें आप यूज कर सकते हो, ये हमारे पास क्या है, इनके कोई क्या साइड इफेक्ट्स या इस तरह की चीजें नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो SQL, जाहिर है SQL को यूज करके आप इतने सारे बिजनेसेस का डेटा बनाओगे ना, या डेटाबेसेस बनाओगे, तो इस स्टैंडर्ड ने SQL को रिकमेंड किया कि आप इसको यूज करके डेटाबेसेस बना सकते हो, इसके हिसाब से सिक्योरिटी और ये सारी चीजें हमारी मेंटेन है, इसके कोई ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? राइट। व्हाट SQL कैन डू, SQL क्या क्या कर सकती है? तो सबसे पहले यहां पे आपके पास कुछ स्पेसिफिक जो कॉमन चीजें हैं वो लिखी हुई है कि SQL कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए हमारी कुछ क्यूरीज होती है। बेटा क्यूरीज आप ऐसा समझो, इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है ना, सी है या आपने पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो उसके अंदर आपके क्या होते हैं, हम कोई भी चीज एज अ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, सही है? यहां पे उस इंस्ट्रक्शन को क्यूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरी। या वहां पे स्टेटमेंट और यहां पे क्यूरी। SQL कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। रिट्रीव का मकसद मैंने बताया, डेटा को सिलेक्ट करना, सही। SQL कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। SQL के थ्रू ही हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, SQL के थ्रू ही डेटा अपडेट होता है, डिलीट होता है। हम न्यू डेटाबेसेस बनाते हैं SQL से, हम न्यू टेबल्स बनाते हैं उसी डेटाबेसेस के अंदर, किसकी हेल्प से? SQL से। वी कैन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर्स इन डेटाबेसेस, लाइक फंक्शंस पढ़े थे आप लोगों ने, सही है? इसी तरह की अप्रोच होती है। फंक्शंस और स्टोर प्रोसीजर्स से अलग हैं, लेकिन ये दोनों किससे बनाए जाते हैं? SQL से। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी भी डेटाबेसिस के लिए अगर आपको क्या बनाने हैं, स्टोर प्रोसीजर्स बनाने हैं या फंक्शंस बनाने, इवन लूप्स हो गए, इफ स्टेटमेंट हो गई, स्विच स्टेटमेंट हो गई, ये सब SQL में बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। SQL क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे आपने पढ़ा था हमारे 0 और 1 एक बाइनरी लो लेवल लैंग्वेज है, हमने मिडिल लेवल लैंग्वेज पढ़ी थी सी, ये हमारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद SQL can create views in a database. एक कॉन्सेप्ट होता है views का, databases के अंदर हम बनाते हैं, इसके अंदर भी हम क्या SQL के थ्रू ही ये सारी queries लिख रहे होते हैं। उसके अलावा चले databases बना लिए, उसमें tables बना लिए, data को maintain कर लिया, data के लिए store procedures बना लिए, लेकिन एक चीज और है, कौन सी? कि आप किसी भी तरह के data के ऊपर permissions भी set कर सकते। परमिशन से मकसद उस डेटा को कौन कौन एक्सेस करेगा, कौन कौन एक्सेस नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सो बाय यूजिंग SQL वी कैन डिसाइड अ स्पेसिफिक यूजर फॉर टू यूज द डेटा और एक्सेस द डेटा और टू रेस्ट्रिक्ट द डेटा यूजर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके बाद SQL इज अ स्टैंडर्ड, बट ये एक स्टैंडर्ड तो है, लेकिन although SQL is an ancient ISO standard, there are different versions of the SQL language. लेकिन हमारे पास बहुत सारे वर्जन हैं SQL के। अभी क्यों कह रहा है पता? क्योंकि हमारे पास SQL एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ एक डेटाबेस या एक सॉफ्टवेयर के अंदर यूज नहीं होती। अगर आप बात करते हो SQL सर्वर की, अब बात करते हो MySQL की, या आप बात करते हैं Oracle की, तो इन तीनों में SQL ही यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जब भी आप कोई डेटाबेस बनाओगे ना बेटा, आप भले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन की, वेब एप्लीकेशन की या डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, एक बार SQL पढ़ लो, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही SQL जब आप MySQL डेटाबेस पढ़ेंगे उसमें भी यही है, जब आप Oracle पढ़ेंगे उसमें भी SQL ही है, लैंग्वेज यही है, सॉफ्टवेयर अलग है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर लेता है, लेकिन ये कुछ कॉमन चीजें बता रहा है। कौन सी कॉमन? ये कुछ कॉमन कमांड्स है जो बोला है कि ये आपकी हर जगह एज इट इज काम करती है। समझ में आ रहा है? यानी देखें, आपको अगर डेटा सिलेक्ट करना है SQL सर्वर में,
या MySQL में या Oracle में select कमांड का काम तकरीबन वही है, तीनों में अपडेट का भी काम वही है, डिलीट का भी, इंसर्ट का भी और वेयर का भी। सबसे क्लियर है ये, ऐसा समझो बेटा ये कॉमन कमांड्स है। मैं अगर आपको समझाऊं ना कॉमन कमांड्स का मकसद क्या है, कट कॉपी पेस्ट, पढ़े वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में सेम इस्तेमाल है, तीनों सॉफ्टवेयर में कट कॉपी पेस्ट का काम वही है ना, शॉर्टकट कीज भी वही है। इसी तरह यहां पे अगर आप तीन सॉफ्टवेयर की बात करो, एसक्यूएल सर्वर, MySQL और आपका ओरेकल, तो उनमें तीनों में आपके ये वाले कमांड क्या है, कॉमन है। कौन से क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, नोट मोस्ट ऑफ द एसक्यूएल डेटाबेसेस प्रोग्राम्स आल्सो हैव देयर ओन प्रॉपर्टी एक्सटेंशन एडिशन एंड फलाफला। अच्छा एक चीज और ये बता रहा है कि हाँ आपके मोस्ट जो एसक्यूएल के डेटाबेसेस है, जैसे आप अगर बात करते हैं एसक्यूएल सर्वर की, ये भी एसक्यूएल की कमांड से ही है, इसी तरह से MySQL और ओरेकल, इन तीनों में आपके जितने भी कमांड्स आप लिखते हैं, बेशक कुछ कमांड्स तो सपोर्टेड है लेकिन मेजॉरिटी कमांड्स आपके क्या है, वेरी करते हैं या चेंज है, इवन एक्सटेंशन चेंज है, उसके अलावा स्टैंडर्ड भी चेंज है। आंसर क्लियर हो गया? इस तरह से यूजिंग एसक्यूएल इन योर वेबसाइट, जब आप एसक्यूएल को यूज करते हैं टू क्रिएट स्पेसिफिक वेबसाइट, तो आपको क्या करना पड़ता है, टू बिल्ड अ वेबसाइट दैट शोज डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस यू विल नीड। अब आपके पास जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, आप वेबसाइट पे डेटा अपलोड करते हैं, डेटा ही होता है जो डिस्प्ले करते हैं ना बेटा। अब उस डेटा को मेंटेन करने के लिए आप क्या बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, ऐसे ही है। अब डेटाबेस बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, एन RDBMS डेटाबेस प्रोग्राम, आपको कोई ना कोई डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा टू क्रिएट अ डेटाबेस, चाहे वो MS Access हो, SQL सर्वर हो या MySQL। अब MS Access को भी हम वेबसाइट्स का डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सुना है ना, जब वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल आप ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो एक्सेस भी इंस्टॉल हो जाता है ना, तो एक्सेस में भी डेटाबेसेस बनते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेशन, कौन सी लिमिटेशन है, और इसमें भी एसक्यूएल ही यूज होती है, आपकी इसमें लिमिटेशन ये है कि अगर आप 52,000 से ज्यादा रिकॉर्ड स्टोर करोगे एमएस एक्सेस के अंदर, तो ये ऑटोमेटिक क्या होना शुरू हो जाता है, हैंग होना शुरू हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है या जिसके अंदर डेटा आपका बहुत ज्यादा आने वाला है, तो आप MS Access को यूज नहीं करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, या तो SQL सर्वर, या तो MySQL, या तो Oracle। कौन सा क्लियर है, टू क्रिएट अ स्पेसिफिक वेबसाइट यू नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर दैट वेबसाइट, क्योंकि उस डेटा वेबसाइट का डेटा कहां सेव करवाएंगे, डेटाबेस के अंदर ना, और डेटाबेस कहां बनते, इन सॉफ्टवेयर पे, बाय यूजिंग SQL लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद टू यूज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक PHP और ASP। अब बहुत सारे डेटाबेसेस और भी हैं जो आपको सर्वर साइड लैंग्वेजेस की सपोर्ट नहीं देते, लेकिन ये आपको ये सपोर्ट देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? टू यूज SQL टू गेट द डेटा यू वांट, आप SQL के थ्रू जो डेटा चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं या नहीं। देखें आपके पास HTML का फॉर्म होता है, HTML के फॉर्म पे आप साइन अप करवाते हैं यूजर्स, उस साइन अप के फॉर्म पे जितने भी नंबर ऑफ इनपुट फील्ड है उनमें जो भी डेटा देते हैं वो कहां जाता है, डेटाबेसेस में जाता है ना बेटा, तो वो इनपुट से डेटा लेकर डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, SQL। कॉन्सेप्ट क्लियर है? SQL की वो कमांड चाहिए जो इनपुट से डेटा ले और कहां भेजे, डेटाबेसेस में। अब आपको कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स पे डेटा नजर भी तो आता है ना, डेटा नजर आता है ना, अब डेटा वो जो फेच होके शो होता है, डिस्प्ले होता है, वो भी किसकी हेल्प से होगा, SQL, चाहे वो किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर आपका वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तीनों तरह के उस एप्लीकेशन के लिए आप इन नंबर ऑफ डेटाबेसेस की अप्रोच को यूज कर सकते हैं। अच्छा कीप इन माइंड दैट SQL कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव, SQL के कीवर्ड केस सेंसिटिव नहीं है, लाइक HTML का कोड पढ़ा था, सवाल में लिखो, टॉगल में लिखो, कैपिटल में लिखो, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे भी जो इसके कीवर्ड है
ये कॉलम्स के नाम्स की या टेबल के नाम या डेटाबेस के नाम की बात नहीं कर रहा, बोला है जो आप इन टेबल्स को बनाने के लिए क्यूरीज लिखोगे ना, उन क्यूरीज को सिम्बल में लिखो, कैपिटल में लिखो, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसक्यूएल के कीवर्ड क्या है बेटा, केस इनसेंसिटिव है। तो ये कह रहा है सिलेक्ट को सिम्बल में लिखें या कैपिटल में लिखें, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेमीकॉलन आफ्टर द स्टेटमेंट्स, अगर आप क्या करते हैं सेमीकॉलन यूज करते हैं आफ्टर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, तो ये क्या होता है, सम डेटाबेस सिस्टम्स रिक्वायर अ सेमीकॉलन एट द एंड ऑफ ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट। आपके बहुत सारे डेटाबेसेस में सेमीकॉलन का देना लाजमी हो जाता है, सही है, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू वर्क विद एसक्यूएल सर्वर ऑप्शनल है, आप देते हैं आपकी मर्जी, नहीं देते तो आपकी मर्जी, लेकिन एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से टर्मिनेट करना, अलग करने के लिए सेमीकॉलन का होना लाजमी है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद हम सेमीकॉलन यूज करेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं एसक्यूएल के, कौन कौन से हैं देखें, ये हमारी ऐसी कमांड्स हैं जो बेसिक भी हैं और आपकी यही इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर आपने ये सीख ली ना तो एटलीस्ट आपके जितने भी डेटाबेसिस बनाना है, टेबल्स बनानी है, उनके ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, यानी उनके अंदर डेटा को रखना, डेटा को फेच करना, डेटा पे कंडीशन लगा के डेटा को उठाना, देखा है ना ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स के अंदर कि आप सॉर्टिंग कर देते हो डेटा की, या कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वहां पे होता है ना हाईएस्ट लोएस्ट प्राइस में दिखा दे चीजें, तो फेच होके डेटा आता है ना बेटा। और जब आप कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, एज अगर आप ई कॉमर्स शॉप के ओनर हैं, तो आपको डेटा इंसर्ट भी करना पड़ता है। तो वो सारी कमांड्स ये हैं कि किसी डेटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कमांड, किसी डेटा को अपडेट करना है तो अपडेट कमांड। लाइक फेसबुक के अकाउंट आप क्रिएट करते हो, उस पर आप अपना नाम चेंज करते हो ना बाद में, तो ये क्या होता है, अपडेट करते हो ना आप, तो बैकएंड पे अपडेट की एसक्यूएल क्यूरी लग रही होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरह जब आप क्या करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, आपने कोई पोस्ट अपलोड की फेसबुक पे और आप डिलीट करते हैं, तो पता है बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, एसक्यूएल की डिलीट की कमांड लग रही होती है। कौन सा क्लियर हो गया। इसी तरह इंसर्ट इनटू, ये हमारे पास क्या करती है, इंसर्ट अ न्यू डेटा इनटू अ डेटाबेस, ये कमांड आपका नया डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज हो रही होती है। क्रिएट डेटाबेस आपका डेटाबेस बनाने के लिए यूज होती है कमांड। अल्टर डेटाबेस का मकसद ये है कि अगर आप किसी डेटाबेस का नाम चेंज करना चाहते हैं, डेटाबेस को बनाने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या टेबल को बनाने के बाद उसके कॉलम आगे पीछे करना होता है ना, इंसर्ट अ न्यू रो न्यू कॉलम, पढ़ा है आप लोगों ने कि अगर आपने टेबल बना दी जिसमें चार कॉलम है, आप चाहते हैं बाद में उसमें दो और कॉलम एड करने, तो आप किस कमांड से कर पाएंगे, अल्टर कमांड। इसी तरह हमारे पास क्रिएट टेबल की कमांड है, अल्टर टेबल है, ड्रॉप टेबल है। ड्रॉप टेबल क्या करती है, पूरी टेबल के स्ट्रक्चर को खत्म कर देती है, यानी बनाने के बाद डिस्ट्रॉय करनी हो टेबल या डेटाबेस तो हम ड्रॉप से कर सकते हैं। इसी तरह क्रिएट इंडेक्स, जैसे मैंने बताया इंडेक्सिंग सर्चिंग के लिए यूज होती है, तो इंडेक्सेस बनाने के लिए भी हमारी क्रिएट कमांड यूज होती है, और ड्रॉप इंडेक्स आपके पास किसी भी इंडेक्स को खत्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये था हमारे पास एसक्यूएल।